बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैर ऐसे होंगे। जी मैं हूँ आपको दोस्त हसन लॉरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी तो मैंने कहा चले भाइयों को शौक भी करा देते हैं साथ साथ और जानवरों को भी नज़र मार लेते हैं। ये दी बर्मी पट्टियाँ हैं जी माशाल्लाह, अपने घर की है, प्योर निंजा ब्लड लाइन में से है जी, और बहुत ही म्यारी और बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी की माशाल्लाह। ये जी तीन पट्टियाँ माशाल्लाह, ये नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह ब्रीडिंग इन में लगाऊंगा। अभी माशाल्लाह बहुत ही म्यारी और बहुत ही मच्छी ब्लड में से हैं जी। जी इसमें से एक पट्टी है जिसके चोंच पे मैंने पिन डाली है, इसने पर खाने शुरू कर दिए थे अपनी बहनों के, तो जिसके मैंने नोक के आगे पिन डाल दिए ताकि ये पर ना खाए। आप देख सकते हैं कि पट्टियाँ थोड़ी थोड़ी गंजी हुई हैं, इस मादी ने पर खाने शुरू कर दिए थे, अब मैंने माशाल्लाह इसकी नोक बंद कर दी। ये जी माशाल्लाह बर्मी का शौक करें, पट्टा मेरा माशाल्लाह फुल क्रीज करके मोल्डिंग करके माशाल्लाह लैस हो चुका है, और मादी मेरी माशाल्लाह बर्मी जो है फुल गंजी है अभी तक। आप देखें मादी का शौक करें जी, क्योंकि माशाल्लाह इसकी फुल मोल्डिंग है और इसके पर पुर कोई नहीं है, उसके बावजूद भी अंडे अभी भी दे रही है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है जी माशाल्लाह। ये शौक करें जी सबसे भाई। ये जी माशाल्लाह इंडियन प्लस मदारी का पट्टा है जी, इंडियन मादी और मदारी मुर्गा लगा हुआ था, बहुत ही म्यारी मजबूत बच्चा, वज़न इस टाइम इसका कुछ 3500-3600 ग्राम है, और अभी तक पट्टा माशाल्लाह अभी तक मैंने इसको खुड्ढे में ही रखा हुआ है, ना कभी तपना है ना कुछ चक्कर है। अब माशाल्लाह पट्टे का शौक करें जी, बहुत ही म्यारी और मजबूत बच्चा है जी माशाल्लाह। ये देखिए जी माशाल्लाह जी, ये नासिर अल्फी माँ इनके और बाप इनका निंजा ब्लड लाइन में से, और ये तीनों बर्मी हैं जी माशाल्लाह, बहुत ही म्यारी और मजबूत पट्टियाँ जी माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह पट्टियों के स्टैंडिंग देखें, एक बाजरे कलर में, दो काले कलर में, बहुत ही खूबसूरत और नया पट्टियाँ जी माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह आप रैम्बो का शौक करें, मादी मेरे अंडे उतार रही है माशाल्लाह, और ये शौक करें जी। और मैंने इस भाइयों से पूछना था, मादी मेरी ये अंडे खा जाती है और बहुत गंदी बीमारी पड़ेगी इसको, इसके लिए मैंने अब नकली अंडे रखे हैं कि अंडों को ना खाए। अब माशाल्लाह शौक करें रैम्बो माशाल्लाह फुल मोल्डिंग करके लैस हो रहा, गर्दन के जाल थोड़ा सा कच्चा और थोड़ी सी धुंध रह गई इसकी, आप शौक करें जी माशाल्लाह। जी जी अपना पट्टा है माशाल्लाह जी, अल्लाह के शुक्र आज सेहत याब हुआ है, ये तकरीबन पिछले 3 दिन से इसने पोटा रोका हुआ था अपना, जिसका मैंने जोड़ के इसका जोड़ किया हुआ जी भाईजान, तो इसने पोटा रोक लिया था तब माशाल्लाह बेहतर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज पहली बार इसको मैंने चाय रस दी है। आप हमेशा भाई याद रखें कि जब आपका मुर्गा पोटा बंद कर दे तो कम से कम उसे दाने से परहेज दें, नरम गिजा दें, चाय रस दे दें, डबल रोटी दे दें, इस तरह की चीज़ दें ताकि आपका मुर्गा पोटा चला सके अपना। और ये तो लंबा प्रोसीजर है, मैंने तो इसके ऊपर काफ़ी सारा किया, चलो आपको शॉर्टकट बता देता हूँ भाइयों को। भाईजान एक रेजिक कैप्सूल का होता है, एक रेजिक पाउडर होता है, रेजिक पाउडर लेके उसके अंदर 10 cc पानी ले लें और 20 ग्राम जो रेजिक होता है उसके अंदर मिक्स करके हिला के, इसको मैंने 20 ग्राम वो दिया था और साथ ऑक्सीडेल का इंजेक्शन लगाया था मैंने इसे, तो आज माशाल्लाह ये बिल्कुल सेहतयाब है। पर आपको पता है कि जब बीमारी जानवर में आती है तो आस्ते आस्ते ही निकलती है, इसलिए भाइयों मेहरबानी करके अपने जानवरों का ख्याल रखें। ये गलती मेरी थी जिस वजह से इसका ये पोटे का इशू आ गया था, बाकी आप भाइयों से दरख्वास्त है कि अपने जानवर की हिफाजत करें और देखभाल करें ताकि आपका जानवर बीमारी से बचे रहें जी। ये जी माशाल्लाह शौक करें, ये सुल्तान की पट्टी है जी, साथ ये बर्मी पकोया पट्टा छोड़ा हुआ है मैंने अपने घर का, बहुत ही म्यारी मजबूत मादी और बहुत ही अच्छी गेम का मालक है जी पट्टा माशाल्लाह। आप चौक करेंगे मज़ा आ जाएगा आपको शौक करने का। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, हर भाई मेरे हक में दुआ करें और हम आपकी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक आपके जानवरों को फिर दे। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।